सो ग्रीटिंग्स पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमोन रेड एडवेंचर चैप्टर के एपिसोड के अंदर। और अभी हम लोग जाने वाले हैं ऑरेंज लीग के प्रीलिमिनरी राउंड्स के बंदों को चैलेंज करने के लिए, तो एपिसोड के अंदर जरूर बनी रहिएगा। और यहाँ पे हम लोग कैसे पहुंचे उसके लिए लास्ट एपिसोड जरूर चेकआउट करना। कैसे हम लोग ने जिम रेटर स्कोर आया उसके लिए मैंने पूरे गेम की प्लेलिस्ट देख के रखी हुई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके क्लिक करके एंजॉय कर लेना। और अभी हम लोग कैरी करेंगे आगे की जर्नी, मतलब देखेंगे कि कौन कौन से हम लोग को ट्रेनर मिलने वाले हैं जिनके खिलाफ हम लोग बैटल करने वाले हैं। वैसे अगर एपिसोड पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना, और ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन यार लाइक नहीं करते, तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना और चैनल देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो, क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है, इसके लिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेनर आ भी चुका है, इसके साथ बात कर लेते हैं। ऑफिशियल बैटल भी ओके, तो हमारे साथ बैटल होने वाली है। यहाँ पे नाम है इसका क्रे, हेलो लेट्स बैटल। तो ये बंदा तो सीधा बैटल के लिए उतर चुका है और इसके पास है टोटल 5 पोकेमोन। उसमें से पहला है मैंगेनियम, जिसको हराने के लिए हम लोग डायनामाइट का यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हमारे लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है तो लेवल के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मैं आगे जर्नी में आपको कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों को दिखाने वाला हूँ, तो इसके लिए बोल रहा हूँ सीरीज़ ज़रूर चेक कर लेना और मतलब उसके अंदर बने भी रहना, चैनल के ऊपर भी बने रहना, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग कंटेंट भी आने वाला है। डायनामाइट बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़फुल हो रहा है, क्योंकि ये सामने वाला जो ट्रेनर है वो ग्रास टाइप निकला। और यहाँ पे लिलीगंट, लिलीगंट को हराने के लिए भी हम लोग फ्लेम थ्रोअर यूज़ करेंगे। लिलीगंट यहाँ पे हार चुका है। उसके बाद आ रहा है द विस्मिकॉट, एक्चुअली जिसका तो इवोल्यूशन है मुझे याद नहीं है, इवोल्यूशन है ही नहीं वो भी मुझे याद नहीं, क्योंकि इसको मैंने आज तक कभी इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। ये सेकंड स्पेशल से यूनोवा में मिलता है पोकेमोन। यूनोवा के बाद के जितने भी पोकेमोन से उसमें भी थोड़े थोड़े पोकेमोन मुझे याद है। यूनोवा इतना ज़्यादा पॉपुलर सीजन नहीं माना जाता जितना सीनो था। किसको किसको सीनो पसंद है वो कमेंट सेक्शन के अंदर सीनो जरूर लिख देना। और 80 लेवल का विस्मिकॉट है इसके पास, जो ये स्पोर अटैक्स है ना ग्रास टाइप के, लिए मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, क्योंकि एक बार स्लीप हो गया उसके बाद आपके पास कोई हील नहीं रहेगा, तो शायद से वो सामने वाला ग्रास टाइप आपको पूरी टीम को भी खा सकेगा स्लीप ऑर्डर दे देगा। तो अभी डायनामाइट जैसे कि डाउन हो चुका है, अभी हम लोग यूज़ करेंगे बॉनफायर को, और बॉनफायर ने फाइनली जाके हरा दिया, लेकिन हैवी डैमेज किया है उसका, 18 HP भी बचा हुआ है। यहाँ पे हम लोग अभी मैरकाटास को हराएंगे, मैरकाटास को फाइनली हम लोग ने हरा दिया। बेचारा 16 भी ट्राई कर रहा था लेकिन हमारा बॉनफायर चला गया 72 पे और हम लोग ने ग्रे को हरा दिया है। तो अभी हीलिंग तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे हम लोग को मिलने वाला है, लेकिन हम लोग खुद हील कर सकते हैं अपने आप ही, और हाइपोपोशन दे देंगे। इसके लिए मैंने कुछ मैक्स एलिक्सर भी खरीद करके रखे हुए हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग डेफिनेटली हमारे पीपी को अप करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट बैटल की तरफ हम लोग जरूर जाने वाले हैं। पीपी चेक कर लेते हैं किसका पीपी डाउन हो चुका है, तो किसका भी पीपी डाउन नहीं हुआ है। अभी नेक्स्ट बैटल देख लेते हैं क्या होने वाला है, नेक्स्ट बैटल के अंदर कौन सा ट्रेनर है। हीलिंग आइटम इसके लिए लेके घूमना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कभी ऐसा लगता है, यस रेगुलरली यूज़ करने की जरूरत नहीं, जितना मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरा एक पोकेमोन डाउन हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स रिवाइव दे देना चाहिए। वैसे कभी कभी ना किया तो भी चल जाता है अगर आपके पोकेमोन इतने अच्छे लेवल के रहेंगे तो। फिलहाल मेरे पोकेमोन बहुत ही वीक है, क्योंकि मैंने हर बार पोकेमोन चेंज करते रहा हूँ, उसके वजह से वीक हो सकते, इतने ज़्यादा लेवल बढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे क्लिप है ट्रैवलर, तो ये ट्रैवलर जो है ये हमारा सेकेंड बैटल होने वाली है प्रीलिमिनरी राउंड्स की। पता नहीं कितने प्रीलिमिनरी राउंड्स के अंदर हम लोग को ट्रेनर मिलने वाले हैं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-6-4 ट्रेनर्स हो सकते हैं, उसके बाद ही हम लोग सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ जा सकते हैं। और हमारे साथ कंप्लीट करने के लिए इस बार ग्रीन भी है, ब्लू नहीं है, ब्लू पर कंप्लीट नहीं करने वाली, और डेफिनेटली इसको ब्लू बोलूँगा मैं, ग्रीन तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर उसको ब्लू बोला जाता है जो कैरी जैसा दिखता है। और ऐश भी है शायद से, लेकिन ऐश के बारे में इतना ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन है नहीं कि ऐश इसके अंदर होगा कि नहीं होगा। ब्रेवरी को हम लोग ने यहाँ पर डिफीट कर दिया है, यहाँ पर अनदर बंदा आने वाला है, उसको हराने के लिए हम लोग बॉनफायर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो है जो नीतिया बग टाइप है। फ्लेम थ्रोअर यूज़ करेंगे लिए उससे पहले उसने स्टार रैप्टर सिलेक्ट कर दिया, और अभी हम लोग स्टार रैप्टर को अटैक लेने के लिए हम लोग यहाँ पे विनासोर को खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा फायर टाइप चला जाए, क्योंकि इतना जो प्रोबेबिलिटी रेट है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ग्रास टाइप बहुत ज़्यादा मिलने वाले। स्टार रैप्टर को हम लोग ने हरा दिया, रेंजर्स को भी हम लोग सेम चीज़ करने वाले थे लेकिन इसको सिलेक्ट कर दिया है इधर टेलॉन फ्लेम, और जो है फायर टाइप, तो अभी वाटरफॉल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ना सर्फ है, और हेवी डैमेज किया। टेलन प्लेन को हम लोग ने हरा दिया। आ रहा है इधर निंजास को, निंजास को हराने के लिए हम लोग अभी बॉनफायर को या फिर डायनामाइट में से कोई भी डायनामाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और फ्लेम थ्रो यूज़ करेंगे। स्लैश अटैक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है अगर बग टाइप का स्लैश आपके पास है तो, मतलब साइथर का तो मेन स्लैश ही हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड ट्रेनर को डिफीट कर दिया है, अभी हम लोग रिवाइव देंगे, फुल हील्स देंगे और देखेंगे किसका पीपी डाउन है, उसको पीपी पकड़ा देंगे। कोई भी रिस्क नहीं लेने का बाबा इस पर्टिकुलर ऑरेंज लीग के अंदर। और आगे चल के देखते हैं कौन सा होने वाला है द थर्ड ट्रेनर जिसके खिलाफ हम लोग बैटल करने वाले हैं, तो ज़रूर चेक करेंगे। रिवाइव और बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है, तो सेट
क्या बोलेंगे उसको, गेट सेट गो, और चाहते हैं थर्ड ट्रेनर की तरफ। सो पता नहीं कितने ट्रेनर यहाँ पे बैटल के लिए होने वाले हैं, लेकिन यार सबको तो सामना करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हैं फिलहाल ऑरेंज लीग के अंदर, तो उसके वजह से। और एपिसोड अगर आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी डॉक्टर के खिलाफ हम लोग बैटल करने वाले हैं, देखते हैं उसके पास कौन से पोकेमॉन होने वाले हैं। बेसिकली डॉक्टर है तो उसके पास ऐसे चेंसी बीसी जैसे पोकेमॉन हो सकते हैं। डेफिनेटली यस, मैं राइट था। तो चेंसी था और चेंसी और उसके साथ साथ जिगलीपफ, लिटर जैसे पोकेमॉन अगर आपको हराने हैं तो उसके लिए आपको ड्रेन पंच बहुत ही यूजफुल होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे वाटरफॉल करके विलिसी को भी हरा देंगे। उसके बाद आ रहा है द विलिसी, नहीं हैप्पी नहीं, तो विलिसी भी एक इवोल्यूशन है इसका। और यस डेफिनेटली, तो अभी आ रहा है ग्लिसी। ग्लिसी एक्चुअली ग्लिसी और चेंसी का एवोल्यूशन ग्लिसी के अंदर होता है, ऐसा समथिंग है इसके अंदर। और मैं सीरीज़ के एंड में आपको बता दूंगा कि आपको कैसे ये फैनमेड पोकेमॉन एवोल्यूशन के बाद मिलने वाले हैं, उसके बारे में तो टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और ग्लिसी यहाँ पे लेवल 80 का है, लेकिन हिप्नोसिस बहुत ही बेटर है। और अभी मैं फिलहाल तो सोच रहा हूँ लिसीड दे दूँ, क्योंकि मुझे इतना आइडिया है कि चेंसी जैसे पोकेमॉन खुद को अच्छा से हील कर सकते हैं, तो उसके वजह से उनको स्लीप करना ही बेटर है और ऐसे मूव देना जो काइंड ऑफ उनका जो एचपी है वो कंटिन्यूसली ड्रेन करते रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एचपी बच चुका है और शैडो बॉल इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। और इसके साथ मैं जैसे बोला था खुद को हील करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो ये फिर से एक बार विश मांग लिए उसने, उससे पहले उसको वटाना पड़ेगा। तो कंफ्यूजरे हम लोग ने दे दिया है, इट हर्ट इटसेल्फ होने के बाद भी विश कंप्लीट हो चुकी है उसके, और विश कंप्लीट होने के बाद वो हील हो जाती है। तो पॉली पे डिपेंड रहना पड़ेगा और ड्रेन पंच को यूज़ करना ही पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। हिप्नोसिस और उसके बाद हम लोग इसको ड्रेन दे देते हैं या फिर आइस बीम। वो भाई आइस बीम इफेक्टिव था, पहले यूज़ कर लेते तो अच्छा रहता। यहाँ पे आ रहा है चेंसी नर्स, तो चेंसी नर्स आपको जॉय के पास देखने मिलती है और ये भी काइंड ऑफ एक्सपर्ट रहती है हीलिंग के लिए, तो इसके लिए मैंने पहले ही उसको हिप्नोसिस दे दिया है। अभी हम लोग बल्बा को सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ हम लोग उसके ऊपर लीसेट देंगे, जिससे करके इफेक्टिवनेस एनर्जी आती रहेगी हमारे पास। और अभी अर्थिक अटैक भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो लग रहा है मुझे रेजर लीफ, यस डेफिनेटली रेजर लीफ से थोड़ा इफेक्ट जरूर गिरा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को अभी फिर से एक बार स्लीप पाउडर देना पड़ेगा। वैसे मैं गेंगार की बात करने वाला था, गेंगार के पास अगर हमारे हिप्नोसिस रहता तो शायद से हम लोग नाइटमेयर जैसे अटैक को भी यूज़ कर सकते थे, जिससे करके बहुत ही अच्छी तरीके से डैमेज गिरता है। ड्रीम ईटर भी वैसे ही अटैक है, आप हिप्नोसिस करो उसके बाद ड्रीम ईटर दो, बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव होगा। इसके साथ हम लोग ने डॉक्टर टीम को हरा दिया है और हमारा थर्ड बैटल कम्फर्टेबली हम लोग ने जीत लिया है, लेकिन कुछ पोकेमॉन्स हैं उनको हम लोग को काइंड ऑफ एलेक्सर देना पड़ेगा और हाइपर पोशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि एलेक्सर इसके लिए देना है क्योंकि हम लोग को पीपी अप करना है। इस बैटल के अंदर कोई भी पोकेमॉन कंप्लीटली फेंट नहीं हुआ, इसके वजह से उसको हाइपर पोशन पकड़ाना पड़ेगा, लेकिन हाइपर पोशन की भी जरूरत नहीं है, चेंसी ने सबको अपने आप ही हील कर दिया था। तो यहाँ पे ड्रेन पंच 5 ही बचे, हम लोग ने अभी तक मॉली को यूज़ नहीं किया, अभी तक हम लोग ने डायनामाइट को भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमारा बल्बा बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो चुका है, लेकिन ठीक ठाक है उसके पास भी, उसको देने की ज़रूरत नहीं है एलेक्सर। गैस भी ठीक ठाक है और यहाँ पे बॉनफायर भी ठीक ठाक है, तो किसी को देना है तो मुझे लगता है कि वो है द पॉली। पॉली को हम लोग को ये चीज़ पकड़ानी पड़ेगी, पॉली को हम लोग मैक्सीतर दे सकते हैं उसके ड्रेन पंच को, जिससे करके उसके ड्रेन पंच 10/10 हो जाएंगे। अभी जाते हैं नेक्स्ट बैटल की तरफ, जो होगी हमारी फोर्थ बैटल, और देखते हैं फोर्थ बैटल में हम लोग को कौन सा ट्रेनर मिलने वाला है। सो गेंगार वाला चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जब भी मोमेंट मिले उसको हिप्नोसिस सिखा देंगे। फिलहाल तो मेरे पास हिप्नोसिस का कोई भी टीएम अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसको फिलहाल तो हिप्नोसिस नहीं सिखा सकते, लेकिन जब मिलेगा तब हम लोग डेफिनेटली उसको सिखा देंगे। फिलहाल तो स्विच कर रहे हैं पोकेमॉन्स को, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेनर कौन सा आने वाला है। मैं फिलहाल तो जितने भी मेरे लेवल अप वाले अच्छे लेवल वाले जो पोकेमॉन है उनको आगे रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पॉली हो गया, बल्बा हो गया, यहाँ पे है काई और वो कम्स फ्रॉम द कैंटो, आई सॉ यू ऑन टीवी, आई डिडंट नो यू विल टेक पार्ट इन द ऑरेंज कप एज वेल, सो लेट्स गो। तो इसके साथ अनदर पैड है जिसके पास है 5 पोकेमॉन, पर पता नहीं काई के पास कौन से पोकेमॉन होने वाले, लेकिन जो पहले उसने निकाला है स्टार्मी ऑरेंज लीग, वो काइंड ऑफ वाटर प्लस फेरी टाइप पोकेमॉन है, तो रेजर लीफ इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है उसके ऊपर, क्योंकि फेरी भी है ना उसके अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पे रेजर लीफ इफेक्ट नहीं कर रहा है। स्लीप पाउडर दे सकते हैं, उसके बाद सिमिलर चीज़ हम लोग लीसीड अप्लाई पकड़ा देंगे, लेकिन उससे पहले रेजर लीफ मार के देख लेते हैं थोड़ा सा, एक और रेजर लीफ मार के, क्योंकि मैं लीसीड ज़्यादा खर्ची नहीं करना चाहता, आगे अगर यूजफुल रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 1 KO, तो ये तो होना ही था, अच्छा खासा था मेरे पास चांस, लेकिन मून ब्लास्ट से फिर से एक बार पॉली भी डाउन होते हुए। और यहाँ पे आ रहा है गैस, तो गैस यूज़ करेगा शैडो बॉल, इसके साथ स्टार में डाउन होते हुए। नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है वो देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं बॉनफायर को, शिफ्ट कर देते क्योंकि आ रहा है द यूरोपियन। फ्लेम थ्रोअर का ज़्यादा इंपैक्ट नहीं गिर रहा है, तो आइस बीम अटैक यूज़ करेंगे, उसका भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं गिर रहा है, तो ऑन ड्रिल द 1 HK फिर से एक बार यूजफुल हो चुका है।
शैडो बॉल अच्छे से यूज़ कर रहा है, लेकिन अट्रैक अटैक उसने यूज़ कर दिया है, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि खुद को अच्छे तरीके से इमोबिलाइज कर पाए, इस अटैक से हम लोग बाहर निकल पाए, लेकिन उससे पहले हम लोग बल्बा को मैक्सिकर पकड़ा दें और फटाक से ओ भाई इसका भी डाउन हो गया अभी, और अर्थ पावर से उसने फाइनली जाके गैस को डिफीट कर दिया। स्लीप पाउडर दे देंगे और इसके साथ साथ अभी हम लोग ली सीड भी पकड़ा देंगे, जिससे करके हमारी एचपी की होती रहेगी और रेजर लिफ्ट करके हराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही। फिर से एक बार अट्रैक काम कर रहा है, लेकिन हमारे ली सीड ने भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर दिया। तो लुकारियो आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग डायनामाइट को सिलेक्ट करेंगे और यूज़ करेंगे द फ्लेम थ्रोअर अटैक। पूरा लुकारियो डाउन होते हुए आ रहा है स्नोरलैक्स, तो स्नोरलैक्स के लिए तो चेंसी जैसी ट्रिक लगानी पड़ेगी, स्लीप पाउडर और उसके साथ साथ हम लोग यूज़ करने वाले ली सीड। तो ये बैटल थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज कि इसके पास अच्छे खासे पोकेमोन थे और हमारे पास उसका कोई भी तोड़ नहीं था, लेकिन स्नोरलैक्स ने यूज़ किया लास्ट मोमेंट एक्सप्लोजन, उसके वजह से स्नोरलैक्स डाउन हुआ, लेकिन पलवा डाउन नहीं हुआ। यहाँ पे कैबिन आ रहा है, तो कैबिन के को हराने के लिए मेरे पास एक अच्छा सा अटैक है जो मुझे याद था, क्योंकि कैबिन हमारे पास था कैंटो लीग के अंदर। अगर आपने अभी तक पूरी सीरीज देखी नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, हम लोग ने कैसे कैबिन को यूज़ किया वो आपको पता चल ही जाएगा, और कहाँ पे आपको ये पोकेमोन मिलने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। फाइनली जाके हम लोग ने काई को हरा दिया है और हम लोग अभी जाने वाले हैं सेमीफाइनल शायद से, लेकिन उससे पहले हम लोग हमारे पोकेमोन को हील कर लेते हैं, फटाक से मैक्सिमम दे देंगे और गैस को मैक्सिमम पकड़ा देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से यूजफुल रहा गैस इस बार, और अटैक्स अच्छे खासे करने पड़ेंगे और लेवल को तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जैसे बोल रहा था कि लेवल 255 तक आपके पोकेमोन बैटल्स होने वाले, तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन कौन से पोकेमोन हम लोग अच्छी तरीके से हील कर पाए। और अभी मेनली जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट ट्रेनर कौन होने वाले हैं। सेमीफाइनल के बारे में कुछ तो बातचीत कर रहा था, शायद सेमीफाइनल भी हो सकती है नेक्स्ट ट्रेनर के अलावा। सैक्रेड एश लेके घूमना चाहिए था जो हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो मैक्स इतर हम लोग पकड़ा देंगे और अनदर मैक्स इतर पकड़ा देंगे ली सीड को। और तो फाइनली जाके हमारे दोनों पोकेमोन सील अप हो चुके हैं, सारे पोकेमोन सील अप हो चुके हैं, अभी जाते हैं नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ। सो बाय द वे, अगर आप चेक करना चाहते हो अभी तक कौन कौन से गेम प्लेस मैंने खेले हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जरूर जाके पोकेमोन ग्लेज लाइट प्लेटिनियम और बहुत सारे नस्ल ऑप्शन इसमें खेले हुए हैं, तो ज़रूर चेक कर लेना। बहुत सारे नहीं बोल सकते, दो और एक तो अभी फिलहाल कंटिन्यू चलने वाले आगे। और यहाँ पे ऑफिशियल से हम लोग ने बात कर ली है, इसका नाम है द रिक, और रिक के पास कौन से पोकेमोन होने वाले हैं, तो बहुत सारे टाइप्स हो गए, मतलब काइंड ऑफ एक ग्रास टाइप फर्स्ट आया, उसके बाद वाटर टाइप भी आया, उसके बाद अभी फेरी टाइप भी आके गया, उसके बाद ये काइंड ऑफ अलग से ही एक हीलिंग टाइप भी आके गया, और ये शायद से अलग टाइप मतलब एक और टाइप, मैं काइंड ऑफ उसको बक टाइप भी भूल सकता हूँ, क्योंकि उसके पास है टैंक ग्रोथ और उसके साथ साथ अभी आ रहा है द ब्लेजिकन, तो बक टाइप नहीं भूल सकते उसको, ये मिक्स टाइप पोकेमोन ट्रेनर हो सकता है जिसके पास हम लोग ऐसे पोकेमोन देखने मिल रहे हैं फिलहाल के लिए। और अभी गैस को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आ रहा है गोरीचू, और गोरीचू को हम लोग शैडो बॉल से हराने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन गोरीचू है थंडर टाइप, हमेशा काइंड ऑफ रेंटोरा और गोरीचू इन दोनों फैन में पोकेमोन से मुझे कंफ्यूजन हो ही जाता है। यहाँ पे है लैप्रसीरो, तो ऑरेंज नहीं, ये भी आइस में यूज़ कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग फिलहाल तो अभी सोचने वाले हैं ली सीड अप्लाई करने के लिए, लेकिन जो चीज़ हो नहीं रही, लेकिन रेसली बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई, ली सीड ने अपना काम कर दिया। लैप्रस डाउन होते हुए आ रहा है कौन सा, तो आरियोडोस सीरो, मतलब आरियोडोस ऑरेंज लीग आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फ्लेम थ्रोवर, और इसके साथ आरियोडोस सीरो भी डाउन होते हुए तो आ रहा है द ब्लेसोमाइट। ब्लेसोमाइट काइंड ऑफ ग्रास प्लस वाटर टाइप है, आइस टाइप बोल सकते हैं उसको, और बॉनफायर चला गया 74 पे। हम लोग ने फाइनली जाके रिक को डिफीट कर दिया है, और इसी के साथ मुझे लगता है कि 5 ट्रेनर ही होते हैं, तो 5 ट्रेनर हम लोग ने डिफीट कर दिया है। अभी फिलहाल तो हम लोग हीलिंग सेक्शन की तरफ जाएंगे, और गैस ही डाउन हुआ था तो उसको मैक्सिमम पकड़ा देंगे, और हाइपोपोशन पकड़ाना पड़ेगा हमारे सबसे बेस्ट कॉली को, उसको हाइपोपोशन पकड़ा देंगे, और अनदर चीज़ देनी पड़ेगी क्योंकि पोशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और अभी फ़िलहाल तो मैं ऊपर से भी सेव करके रखने की सोच रहा हूँ, क्योंकि एक सेफ एंड साइड मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि नीचे से भी सेव हो, मतलब गेम से भी सेव हो और ऊपर एमुलेटर से भी सेव हो। नेक्स्ट ट्रेनर कौन सा होने वाला है, नेक्स्ट ट्रेनर कोई भी नहीं लग रहा है, यस डेफिनेटली शायद से हम लोग सेमीफाइनल्स टच करने ही वाले हैं। यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं इस बंदे से, ऑफिशियल यू आर द विनर ऑफ द प्लेन एलिमिनेशन राउंड्स, कांग्रेचुलेशन गो कैनस ऑन द पैलेट टाउन, डोंट गेट टू द कंफर्टेबल येट, नाउ यू हैव टू टेक अ पार्ट इन सेमीफाइनल राउंड, ईच कंटेस्टेंट इन द सेमीफाइनल स्ट्रॉन्ग लाइक यू, गुड लक। तो फाइनली हम लोग सक्सेसफुली सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मीनवाइल यहाँ पे एक छोटा सा कट सीन, ग्रैंडपा आई एम गोइंग टू गेट सम पॉपकॉर्न्स, डू यू वांट, यस डेफिनेटली आई बी फाइन एंड थैंक्स डेजी, तो डेजी यहाँ पे जाते हुए, डेजी बोल रहा हूँ, डेजी यहाँ पे जाते हुए माइला से कुछ बातचीत होने वाली है, यस आई फील नर्वस फॉर सम रीजन फॉर गोको एमएस, आई एम नॉट श्योर। तो
हाँ 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 वेल यू मस्ट बी प्राउड ऑफ हिम राइट, योर लिटिल बॉय इज नाउ ग्रोन अप नाउ. तो कुछ तो गड़बड़ है, माइला के मन में भी कुछ चीज़ें चल रही है. लेकिन यहाँ पे आते हुए अगर मैं सही हूँ तो टेस्ला कंपनी के टेस्ला यहाँ पे आते हुए और वो शायद से कुछ अलग कांड करने वाली है. जैसे कि उसने बोला था कि इसने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को हराने के लिए हम लोग को कुछ अलग चीज़ लगने वाली है, तो शायद से ये अलग चीज़ हो सकती है. तो अचीविंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर होने वाला है. लेकिन फैमिली मेम्बर्स के लिए और इसलिए में अलग से सीट रखी हुई है. यस वो आर यू. तो यहाँ पे प्रोफेसर ओक को बोला जा रहा है कि पता नहीं भाई, और प्रोफेसर ओक की इज्जत का कचरा और ग्रीन ओक तो डेफिनेटली डैट ओल्ड फाड आई डोंट केयर अप योर ग्रैंडसन आई डोंट इवन नो हु ही इज. तो माय अपोलॉजीज सम विल बी विथ यू शॉर्टली एंड माइला ओके. तो यहाँ पे हमारे मदर को खास एक अलग से सीट देने पड़ने वाली है यहाँ पे टेस्ला को. लेकिन सीट के अंदर कुछ ना कुछ तो चीज़ें हो ही सकती है क्योंकि इतना पता है टेस्ला वीक है, टेस्ला को हम लोग आराम से हरा सकते हैं. लेकिन इसके लिए टेस्ला कुछ ना कुछ तो कांड करेगी, कुछ तो अलग चीज़ें भी ट्राई कर सकती है. तो आज के एपिसोड में हम लोग फाइनली यहाँ पे रुक देंगे क्योंकि मैंने ट्राई करने वाला था प्रीलिमिनरी राउंड्स एक एपिसोड के अंदर होंगे और फाइनली जाके हम लोग ने प्रीलिमिनरी राउंड्स को क्लियर कर ही दिया है. एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक यू वेरी मच, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन पर फ्लेम थ्रो करो या फिर कुछ भी करो, दब जाना चाहिए. और डेफिनेटली गाइस अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है ना तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि मुझे पता नहीं चलता आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे. बहुत सारे बंदे वीडियोस लिख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. तो डेफिनेटली गाइस सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पोकेमॉन रेड एडवेंचर चैप्टर. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा. और उसके साथ साथ मेरे बाकी के सीरीज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे. इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा. बाय फॉर नाउ, टेक केयर.